मतलब एक छोटे से काउंटर में सारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको घर की डेकोरेशन का मिल जाएगा। और कलाकृतियों के विस्मय में मैं ऐसी खो गई हूँ कि वाकई मुझे इस टाइम ये लाइंस याद आ रही। यहाँ पे ये हमारे सामने बना रहे हैं एंकलेट। इस दुनिया में हर चीज़ बिकती है और हर चीज़ का बिजनेस बन जाता है, बस लोगों को एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। मैं यहाँ से निकल रही थी तो ये देखिए, ये एक छोटा सा स्टॉल है। यहाँ पे ये छोटे छोटे शीप के कब्ज हैं और साथ में छोटे वाले रैबिट्स हैं। और यहाँ पे इनको कैरेट को से फीड कराने की 20 बाट है और इनको बॉटल से दूध पिलाने की 20 बाट है। अगर आप तीन एनिमल्स को तीन बॉटल दूध पिलाते हो तो 50 बाट। मतलब आई एम जस्ट अमेज्ड एट व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस पीपल डेवलप जस्ट बाय एंटरटेनिंग पीपल। हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा फन और उनका बिजनेस, कमाल है, कमाल। दुनिया वाकई कमाल है। और मैं पहुंच चुकी हूं सिसाड़ा मार्केट हुआहिन। जी हाँ, हुआहिन में लगती है सिसाड़ा मार्केट एवरी वीकेंड। बहुत अमेजिंग मार्केट है, बहुत ही पॉपुलर मार्केट है। आइए मेरे साथ विजिट करते हैं हुआहिन की सिसाड़ा मार्केट। और मज़े वाली बात ये है कि यहाँ पे आज सेलिब्रेट हो रहा है सोंकरन फेस्टिवल, तो इस मार्केट की वाइब, इस मार्केट की फील बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन है, अमेजिंग 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 लुक है। तो देखते हैं सोंकरन की सिसाड़ा मार्केट डेकोरेशन। और ये देख सकते हैं आप मेरे साथ, यहाँ पे है सोंकरन फेस्टिवल की शुरुआत सिसाड़ा मार्केट में। देखते ही बहुत अमेजिंग फीलिंग आ गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट्स है, अमेजिंग डेकोरेशन है सब तरफ। इसे हम कंडील बोलते हैं इंडिया में ना, उससे बहुत ये यहाँ पे चाइनीज़ लैंटर्न बोलते हैं इनको, तो चाइनीज़ लैंटर्न से बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन की हुई है। और अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सिसाड़ा मार्केट। हुआ इनमें आए और सिसाड़ा मार्केट को मिस कर दें तो होगा बहुत ही मेजर पाप। वो मैं तो नहीं करूँगी और आप बिल्कुल मत करिए, बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ देखिए, एंटर करते ही है बहुत ही ब्यूटीफुल वेलकम। और यहाँ पे एंटर करते ही हो रहा है एक फेस्टिवल जिसमें है लाइव म्यूजिक एंड ढेर सारा एंटरटेनमेंट। मैजिक शो चल रहा है अभी फॉर द टाइमिंग, तो आइए मिलके देखते हैं मैजिक शो ओनली एट सिसाड़ा मार्केट हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे लोग बैठ के इसको एंजॉय कर रहे हैं और हम आगे चलते हैं मार्केट, क्योंकि मुझे आपको दिखानी है मार्केट और मैजिक शो देखेंगे बाद में। ये सारे फूड स्टॉल्स हैं इधर और लोग बैठ के खाने को एंजॉय कर रहे हैं। एक बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ शादी की थीम होती है ना, मेले की, बिल्कुल सेम, क्योंकि सोंकरन फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है थाईलैंड में और इसीलिए यहाँ पे मेले वाली फील आई हुई है। मार्केट विद फूड अलोंग विद द फेस्टिवल सेलिब्रेशन। और यहाँ पे मिल रही है ढेर सारी कैंडल्स, ढेर सारे फेशियल स्क्रब्स और फेस और बॉडी केयर के बहुत सारी आइटम्स, फॉर बबल बाथ, फॉर मसाज एंड फॉर स्पा थेरेपी एट योर होम। और यहाँ पे कपड़े और जूते और फैशन एक्सेसरीज़ के अलावा काफ़ी सारी होम डेकोर की आइटम्स भी मिल रही हैं। आप ये देख सकते हैं यूरोपियन डिशेस, बहुत ही सुंदर पोर्सिलेन और चाइना वेयर की डेकोरेटिव आइटम्स। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे मग्स, अमेजिंग। और इसके अलावा ये सारी होम डेकोर की और बहुत ब्यूटीफुल आइटम्स हैं, जिसमें ये गिटार्स हैं, वो टेबल लैम्प्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल आइटम्स मिल रही हैं। और इन मग्स के प्राइसेस इन्होंने लिखे हुए हैं 1 mug for 160 एंड इफ़ यू बाय 3 यू विल गेट अनदर 1 फ्री। और यहाँ पे ये हमारे सामने बना रहे हैं एंकलेट्स, जो चॉइस हमें करनी है, जैसे बीड्स हमें चूज़ कराने हैं। और ये एंकलेट्स इन्होंने रेडी करके रखे हुए हैं
और ये यहाँ पे बना रहे हैं इसके साथ साथ। जैसे कि हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र्स, यहाँ पे मिल रहे हैं नेचुरल फ्लावर डिफ्यूज़र्स, फ्लावर फ्रेग्रेंसेस के साथ ये हैं नेचुरल फ्लावर डिफ्यूज़र्स, काफ़ी यूनिक है और इनकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी लगी मैंने स्मेल करके देखा। वन बॉटल इज़ फॉर 300 baht एंड इफ़ यू बाई टू यू विल गेट देम फॉर 500 baht। ये इसकी ब्यूटीफुल सी बॉटल है एंड दे आर नेचुरल बेडरूम डिफ्यूज़र्स, तो हम इसको अपने घर में रख सकते हैं। इसका नाम है रिची फ्लावर डिफ्यूज़र और आप देख सकते हैं कि काफ़ी एज है अंकल की और आंटी की दोनों की और काफ़ी हार्ड वर्किंग है इनका ये बिज़नेस, यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं दोनों। एट सच एन ओल्ड एज ऑल्सो दे आर वर्किंग, दिस हैज़ जस्ट टच्ड आवर हार्ट्स। और इनके काउंटर की प्रेजेंटेशन भी एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है, आप ये देखिए। एंड दिस मैन हेयर ही इज़ 76 ईयर्स ओल्ड एंड यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन बाय हाउ हार्ड वर्किंग ही इज़, लाइक देख के लग ही नहीं रहा कि वो 76 साल या 75 साल के हैं, काफ़ी यंग लग रहे हैं जिस हिसाब से वो एक्टिव हैं। डिफरेंट फ्रॉम अदर मार्केट्स, यहाँ पे वुडन फर्नीचर मिल रहा है, काफ़ी अच्छी टेबल एंड चेयर की वैरायटी है, कार्विंग वाली टेबल्स भी हैं अवेलेबल, हैंडीक्राफ्ट की काफ़ी ब्यूटीफुल वैरायटी है, एक्सेसरीज़ कपड़ों की तो भरमार है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी मेजर भरमार है यहाँ पे एक्सेसरीज़ और कपड़ों की। एक ये स्टॉल आया है मेरे रास्ते में, यहाँ पे घर में डेकोर के लिए, होम डेकोर के लिए, वॉल डेकोर के लिए टेबल पीसेज हैं, मतलब एक छोटे से काउंटर में सारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको घर की डेकोरेशन का मिल जाएगा। आप ये वाला पीस देखिए कितना अमेजिंग है, ये इस बॉटल में सिर्फ छोटी छोटी सी जूट की बॉल्स में उन्होंने LED लाइट्स लगाई हुई है, पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। वहाँ पे वो छोटी सी कैट को ग्लास के उस पैकिंग में करके बड़ा, मतलब बहुत अच्छी सी लुक क्रिएट की हुई है, बहुत सुंदर सुंदर और इतने छोटे छोटे पीसेज हैं पर सारे के सारे बहुत यूनिक है और पूरे घर की डेकोरेशन का सामान हमें एक ही काउंटर से मिल सकता है, बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन पीसेज हैं। और ये देखिए एक ये काउंटर है, यहाँ पे मिल रहे हैं थाई फैन और बहुत सारे अलग 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 थाई प्रोडक्ट्स, बहुत ही खूबसूरत है। होम डेकोर के आइटम्स यहाँ पे भरी हुई हैं, मैं तो इंडिया से आई हुई हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा लगेज ऑलरेडी ज़्यादा है, पर आप मेरी एडवाइस मानिए और अपने घर से खाली अटैचियाँ लेके आइए और फिर उसके बाद थाईलैंड की नाइट मार्केट या सिसाडा मार्केट जैसी किसी भी मार्केट में घुस जाइए और ढेर सारे कपड़े ख़रीद के लेके जाइए, आपको सच में वो प्राइसेस मिलेंगे यहाँ पे जो आपने उम्मीद भी ना करी हो। सिसाडा मार्केट में मैंने देखा है बहुत मेजर बार्गेन नहीं है, यहाँ पे बार्गेन की कम ऑप्शंस हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये वीकेंड मार्केट है, इन लोगों को 2 ही दिन मिलते हैं, जिन लोगों को पता है यहाँ पे वीकेंड मार्केट लगी है वो यहाँ आए हैं, तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स ही हैं वो, ये डेली लोग नहीं बैठते, तो इसलिए यहाँ पे बार्गेन लिमिटेड है, जो मार्केट डेली लगती है वहाँ पे बार्गेन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। छोटे छोटे डेकोरेटिव पीसेस की तो भरमार लगी हुई है, मतलब छोटे छोटे सुवेनियर जो हम यहाँ के थाईलैंड कल्चर से रिलेटेड हैं, जब हम किसी को अपने रिश्तेदार को गिफ्ट करते हैं तो भी बहुत अमेजिंग लगता है, खुद के घर को डेकोरेट करने के लिए कि हमेशा याद रहे कि हम ऐसी जगह पर गए थे, तो उसके लिए भी बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सुवेनियर्स हैं, 100, 200, 250 थाई बाट में मिल रहे हैं, अच्छी कलेक्शन है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मंदिर के लिए घंटी और बहुत ही खूबसूरत सी है, तो अमेजिंग डेकोर पीसेस हैं, बहुत क्यूट क्यूट से भी हैं और बहुत फंकी फंकी से भी और बहुत ऑथेंटिक भी हैं, सारी वैरायटी के हैं। और यहाँ पे मिल रही हैं लकड़ी से बनी हुई पिस्तौल और बंदूकें, जिसके बड़े छोटे सारे साइजेस हैं, ये फॉर प्ले पर्पस हैं, अगर आपको अपने घर में खेलना हो तो 200 थाई बाट से स्टार्ट हो रही है। हाउ मच फॉर दिस और 4000 थाई बाट तक की इनके पास ये पिस्तौलें हैं, ये आप इसको वॉल डेकोरेटिव्स में भी यूज़ कर सकते हैं और खेलने के पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से हो रही है एक पेंटिंग, इस बार कैरिकेचर नहीं है, नॉर्मल पेंटिंग है और ये कर रहे हैं इसको पेंट और उस बच्चे की हो रही है पेंटिंग। शॉप
और यहाँ पे बन रहा है लाइव टैटू। पेनलेस टैटू है, डेकोरेशन वाला बन रहा है। और आप सुन रहे होंगे ये म्यूजिक, तो क्योंकि यहाँ पे लाइव म्यूजिक सेशन हो रहा है, सिसाडा फेस्टिवल हो रहा है, सोंकरन सेलिब्रेट हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आराम से अपनी ड्रिंक्स लेके बैठे हुए हैं और म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे हो रहा है लाइव म्यूजिक और लोग इस म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो छोटे बॉयज़ को बहुत शौक होता है ना, ये वो सारे स्प्रिंग से ये इसको यहाँ पे लाइव बना रहे हैं और बेच रहे हैं। जैसे कि ये वाला मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है फॉर 3500 थाई बाट्स। और इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रखे हुए हैं इन्होंने बना के, जो किसी को भी जिस तरह का आपने बनवाना है। और ये यहाँ पे लाइव बना भी रहे हैं, तो आप अपने पसंद का कोई भी डेविल, कोई भी कार्टून कैरेक्टर, कोई भी स्टार वॉर्स हीरो यहाँ से बनवा सकते हैं। और ये इसको लाइव बनाएंगे और साथ में उसका प्राइस बताएंगे। और ये देखिए एक और आर्टिफैक्ट्स का बहुत ही ब्यूटीफुल काउंटर है। इनके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं। और ये वाले जो एलिफेंट्स हैं, ये तो मुझे बहुत पसंद है। हाउ मच फॉर दिस पेयर? वन। ये 2800 थाई बाट्स का है, बट इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लास्ट प्राइस बोथ 5000। ओके, तो शी इज़ लाइक कि बोथ का प्राइस 5000 दे देंगे। शी इज़ गिविंग मी 600 थाई बाट्स डिस्काउंट। ओके, ओके, तो शी इज़ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आप कैंडल लाइट कर सकते हो एंड इट विल लुक ऑल द मोर ब्यूटीफुल व्हेन यू विल डेकोरेट इट। बहुत सुंदर डेकोरेटिव पीस है, मैं आपको बहुत ध्यान से दिखाती हूँ उसको एक बारी। और इनका काउंटर भी ऐसी ही बहुत ब्यूटीफुल कैंडल स्टैंड से भरा हुआ है। अमेजिंग काउंटर है इनका, अमेजिंग। वाओ, ओनली एट सिसाडा मार्केट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी भी और नाइट मार्केट या थाईलैंड मार्केट से बहुत डिफरेंट है। इतनी सुंदर तरीके से इस मार्केट को लगाया हुआ है कि ऐसा लग नहीं रहा कि हम किसी स्ट्रीट मार्केट में हैं। पूरी की पूरी एक बड़ी खूबसूरत सी वाइब क्रिएट की हुई। काउंटर्स भी बड़े सुंदर से मैनेजमेंट में लाइंड अप है। वीकेंड मार्केट है, सोंकरन फेस्टिवल है, फिर भी ऐसी हपड़ तपड़ वाली भीड़ नहीं है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पीछे हुआ है सुवेनियर नाम का एक बहुत ही सुंदर स्टॉल है। आई विल गिव यू वन मोर। और बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारे प्यारे से बहुत सुंदर सुंदर काउंटर्स हैं। अमेजिंग वाइट कलर से उसको बना के ना एक बहुत सूदिंग इफेक्ट है। रात का टाइम है, पूरी की पूरी मार्केट का जितना भी डेकोर है वाइट कलर का है, उससे एक सूदिंग और कामिंग इफेक्ट आ रहा है। पूरे दिन की थकान के बाद जब हम मार्केट आते हैं तो ये जो वाइट कलर है इसने बहुत एक अमेजिंग सी फील क्रिएट कर दी। और ये जो ऊपर चाइनीज़ लैंटर्न है, ये मॉट एटमोसफेयर को और ज़्यादा लाइवली कर रहे हैं। और आप जो मेरे पीछे म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो आप सोचिए कि यहाँ पे अमेजिंग सा माहौल क्रिएट हुआ हुआ है। आपको अगर शॉपिंग नहीं भी करनी तो भी आप अगर विंडो शॉपिंग के लिए भी आएंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा लगेगा आपको कि आप किसी नई जगह पे आए, आपने कुछ नई चीज़ें देखी। सेम वैसा ही कुछ मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे घूमते वक्त, चीज़ों को एक्सप्लोर करते वक्त, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये इतनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स कहाँ देखने को मिलेगी? बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। और यहाँ पे ये पेंटिंग को लाइव पेंट कर रहे हैं और उसके बाद ये पूरी पेंटिंग सेल ऑफ हो सकती है इजीली। और यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने पेंटिंग्स बना के सेल पे लगा भी रखी हैं। और ये पूरी की पूरी लेन ही पेंटिंग्स को डेडिकेटेड है। यहाँ पे लाइन से इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, इतनी सारी पेंटिंग्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये दोनों टाइनी फ्रेंड्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। वाओ, ये आई थिंक शॉपिंग करने नहीं आए हैं, शॉपिंग एक्सप्लोरेशन पे आए हैं। और हो सकता है अपने लिए कोई एक्सेसरी खरीदने भी आए हों, हू नोज़। इतनी खूबसूरत मार्केट है तो यहाँ आके कुछ ना कुछ तो लेने का दिल कर ही जाएगा।
और इन पेंटिंग को देख के तो मैं मेसमराइज हो गई हूँ, इनके कलर्स में ही खो गई हूँ। समझ नहीं आ रहा कौन सी हम लेंगे और कौन सी छोड़ेंगे, मतलब अगर हम मैं एक्चुअली खरीदने लगूँ तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी, क्योंकि कोई एक के बाद अगली पेंटिंग देखते हैं तो वो ब्यूटीफुल लग रही है तो समझ नहीं सकते। बहुत खूबसूरत आर्ट, और यहाँ पे ये क्ले आर्ट से इनको बना रहे हैं। हाउ मच फॉर वन पीस दिस? दिस 2000, 2500 एंड 3000। ओके, ये क्ले आर्ट से बने हुए बहुत ही सुंदर से कलरफुल से आर्ट पीसेज हैं, यहाँ पे आपको छोटे बड़े हर साइज में मिल जाएंगे। 2000, 2500 एंड 3000, तीन अलग अलग साइजेस के। एंड शी इज टेलिंग अस दैट इट विल नेवर, इट विल नॉट ब्रेक इवन आफ्टर यू आर गोइंग टू टैप इट हार्ड ऑन द फ्लोर। और कलाकृतियों के विस्मय में मैं ऐसी खो गई हूँ कि वाकई मुझे इस टाइम ये लाइंस याद आ रही हैं। एक्चुअली मैं देख रही हूँ कला, और उसने मुझे इतना ज़्यादा अपनी ओ में ले लिया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप ये देखेंगे इसकी खूबसूरती, क्या आप मेरी वीडियो से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं? पता नहीं मुझको, पर वाकई वाकई खूबसूरत है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। एक एक पेंटिंग कलाकार है ने बनाई है, वाकई ये कलाकार है या अजूबाकार, मैं क्या बताऊँ। मैं